ये वो चर्च है और यहाँ पे आज एक शादी का फंक्शन भी है. सो फाइनली गाइज वी आर इन स्पाइक आइलैंड. ये दुनिया की, आयरलैंड की नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी जेल आई है. बट सबको हम कैद करने लगे हैं पनिशमेंट ब्लॉक में. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक. ओके. एक जगह पे अपनी बुकिंग करवाई हुई है, वहाँ पे हमारी सेल्फ बोर्डिंग होनी है. वो हमने समुंदर के अंदर खुद बोर्ड चलानी है. अभी आपको उस जगह पे भी लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं. ये स्पाइक आइलैंड से हम वापसी जो है ना निकल रहे हैं. ये बोट में भी बैठते हैं. ये बोट चल चुकी है जी. दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये टाइटैनिक म्यूज़ियम है, जहाँ पे टाइटैनिक जब डूबा था उसकी वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, बाकी आप जिसे कह सकते हैं आप. और इस स्टॉप का नाम भी आपको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ कि ये टाइटैनिक क्वीनस्टोन. ये आप देख सकते हैं, ये अंदर सारा म्यूज़ियम है. और म्यूज़ियम से पहले मैं आपको ना उस जगह पे लेके जाता हूँ कि जहाँ पे लास्ट टाइम टाइटैनिक ने स्टे किया था, जहाँ से उसने पैसेंजर बिठाए थे. अच्छा जी, अब ये आ गए हैं हम. मैं आपको बताता हूँ कि टाइटैनिक लास्ट टाइम कहाँ पे रुका था. तो जबार आप थोड़ी हेल्प आउट करें मुझे, आएँ ज़रा मेरे साथ और ये ज़रा उस जगह के बारे में थोड़ा बता दें. भाई साहब ये आए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ. ये जगह का नाम है क्वींसटाउन, ठीक है, कोब इसका नाम है. यहाँ पे टाइटैनिक आखिरी दफ़ा रुका था. यहाँ पे उसने पैसेंजर अपने जो थे ना वो उठाए थे इधर से, ठीक है, ठीक है. और यहाँ से फिर वो ना वो अमेरिका की तरफ, न्यूयॉर्क की तरफ चल रहा था. ये स्टार्ट हुआ था साउथहैम्पटन इंग्लैंड से, ठीक है. तो रास्ते में जो जो स्टॉप आते थे तो वहाँ पे वो रुक रुक के जो जो बंदे उनको. और ये वो जगह है जी, ये देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ये जो अब उन्होंने ये वाला स्टेशन ही बंद कर दिया हुआ है. मतलब यहाँ पे अब कोई बड़ा शिप नहीं रुकता. वो उन्होंने बैक साइड पे ना एक वो इस जगह के ऊपर जो ना उन्होंने दोबारा नए सिरे से बना लिया. यार मैं सोच रहा हूँ कि पहले म्यूज़ियम को भी थोड़ा सा विजिट कर लिया जाए, कुछ टाइटैनिक की चीज़ें भी देखी जाएँ कि उस टाइम पर जो टाइटैनिक की चीज़ें थी वो कैसी थी. आज अंदर चलते हैं और टाइटैनिक की ये चीज़ें देखते हैं. वाइट स्टार, ये देखें जी, टाइटैनिक की हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे उनकी पड़ी हुई हैं. ये वो मूवीज़ में भी दिखाए थे, ऐसे बैग्स थे. ये वो चीज़ें हैं ओरिजिनल जो कि टाइटैनिक के टाइम पे यूज़ की गई. उस टाइम के लोग ऐसी ड्रेसिंग करते होते थे. उन्होंने एक स्केच बनाए हुए हैं और ये उनके सामान. बट ये रियल वाले नहीं हैं. रियल वन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि वो है रियल वन. और इसके अलावा ये कुछ सामान रियल पड़ा हुआ है जो कि समुंदर से उन्होंने निकाल के रिज़र्व किया है लोगों को दिखाने के लिए. ओल्ड टाइम में जो ये इलाका है, ये जो टाउन है, वो ऐसा दिखता होता था. बल्कि दिखता अभी भी ऐसे ही है वो देखें. लेकिन तब ये था कि वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि टांगे वगैरह होते थे. लेकिन अब जनाब बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी पड़ी हैं. हाँ जी, ये म्यूज़ियम से बाहर निकले हैं. ओह वाओ, ये देखें जी, एक बड़ा क्रूज़ आ चुका है. मतलब तब टाइटैनिक इतना सही होगा, इससे भी बहुत बहुत बड़े क्रूज़ हैं. लेकिन ये भी कुछ छोटा क्रूज़ नहीं है, काफ़ी फ्लोर्स हैं इसके. यहाँ के कुछ लोगों के जो है ना वो मुजस्मे भी बनाए गए हैं जो कि टाइटैनिक में डूबे थे. अब ये एक फैमिली है, ये प्रॉपर आप देख सकते हैं. अब सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, यहाँ से हमने सेल्फ बोर्डिंग के लिए जाना है. और इसी समुंदर में हम खुद किश्ती चलाएँगे और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और भी हैं. चारों लोग जाएँगे, सेल्फ बोर्डिंग करेंगे. ये जी, अब हम नीचे जा रहे हैं. ये हमारी सेल्फ बोर्ड है जो हमने खुद ड्राइव करनी है. यहाँ से हमें लाइफ जैकेट्स मिलनी है, थोड़ी सी उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है कि कैसे आपने बोट चलानी है. ये नीचे बोट्स खड़ी हैं, तो अभी उनकी इंस्ट्रक्शन लेके लाइफ जैकेट पहन के बोट्स में जाते हैं जी. ये हम बोट पे बैठने लगे हैं. मिस्टर जबार, हमारे कैप्टन साहब जो है ना रेडी हैं बोट को चलाने के लिए. ये है जी हमारी बोट, अब चल चुकी है. जबार साहब चला रहे हैं और इस वक्त हम फुल एंजॉय कर रहे हैं. एक बड़ी कश्ती आई थी और उस कश्ती के जो है ना पास से गुजरने की वजह से हमारी बोट में पानी आ गया. तो बिलाल भाई जो और बिलाल भाई ने और मंसूर भाई ने अपनी जगह चेंज कर ली है. लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, गीला हो जाए है ना. और ये देखे जी व्यू. और हमारा जो कैप्टन है वो जनाब फुल टाइम एंजॉय कर रहा है. और अब कैप्टन को कहेंगे कि जरा थोड़ी देर ना अपनी ये कैप्टनसी चेंज भी करें. सो फाइनली दोस्तों, अभी हम जो है ना
समुंदर में ये कश्ती चला रही है, बैक साइड को भी आप देख सकते हैं। और इस टाइम आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि बिग वेव्स आ रही हैं। हाँ, आपको इजी होगा थोड़ा बैठना पड़ेगा क्योंकि वेव्स तेज हैं। और मैंने वेव्स को बचाने के लिए इस साइड पे कर लिया ताकि पानी अंदर मत आए, बट आपको यहाँ पे थोड़ी वेव तेज है, पकड़ के बैठे। अब हम जा रहे हैं अपने उस आइलैंड के पास जिस आइलैंड में सुबह हम विजिट कर चुके हैं। और ये देखिए सेल फोन के तौर पर ये हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये मंसूर भाई भी हैं, ये इस वक्त ड्राइव मैं कर रहा हूँ। मंसूर भाई कैसा मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमत है। समंदर में बोट चला रहे हैं, इतनी खूबसूरत जगह देख रहे हैं, घर इतने प्यारे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपको आवाज कम आ रही हो लेकिन आपने इन व्यूज को एंजॉय करने हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हम निकल आए हैं वहाँ से घूम फिर के सारा। और ये गाड़ी जनाब इस टाइम ये शिप में जो है ना वो लोड होने लगी है क्योंकि जबार का जो घर है वो सामने साइड पे है और हम जो है ना वो अपोजिट साइड पे थे। तो अब ये दूसरी शिप में आ गए हैं और इस शिप से हम जाएंगे दूसरी वाली साइड पर। शिप में गाड़ी लोड हो गई, चलें ज़रा बाहर चलते हैं देखते हैं। जी अभी हम जा रहे हैं जबार के घर वाली साइड पे कि इस साइड पे थे हम, ठीक है। और हमने जो है ना जबार का जो घर है वो उस दूसरी वाली साइड पे है, तो उस वाली साइड पे जाने के लिए हमने अपनी गाड़ी को शिप में लोड किया है और इधर से सामने साइड पे जा रहे हैं। ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो लंदन में लोग रहते हैं वो लंदन से अपनी शिप के ऊपर, मतलब आप कह लें कि शिप के थ्रू वो आयरलैंड भी जा सकते हैं, वो आप फ्रांस भी जा सकते हैं। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जाते हैं लंदन से फ्रांस के लिए, और लेकिन ये शिप थोड़ा आप कह लें थोड़ा छोटा है, इससे बहुत बहुत बड़े शिप भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी लोड हो जाती हैं। A few moments later, ये मंसूर भाई के घर आए हुए थे खाना खा के, शाम का टाइम हो गया लेकिन यहाँ पर शाम भी तकरीबन 8:30-9 बजे होती है, तो जबार भी साथ है, तो आज काफ़ी थक गए हैं और कल के दिन हमने डबलिन जाना है। तो फिलहाल अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, सब अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। बाय बाय।